एक महीने तक विश्राम करने के बाद अब जिले में बारिश एक बार फिर सक्रिय हुई और विगत दो तीन दिनों से चारों ओर झमाझम पानी बरस रहा है। जिले में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की खबरें सामने आई है। साथ ही विगत 48 घंटों से भी अधिक समय से चल रही बारिश की वजह से मौसम काफी हद तक सर्द हो गया है। लगातार बरसते पानी की वजह से जिले के सभी नदी नालों में उफान आया हुआ है। ऐसे में जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा सहित अन्य सभी मध्यम व लघु प्रकल्पों में जल स्तर ऊंचा उठ रहा है, जिसकी वजह से बांधों के जल स्तर को नियंत्रित रखने हेतु अपर वर्धा बांध तथा पूर्णा मध्यम प्रकल्प के सभी दरवाजों को खोलकर वर्धा व पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही इन दोनों नदियों के किनारे रहने वाले लोगों व गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। आज जिले के पर्वतीय क्षेत्र मेलघाट के धारणी परिसर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से आदिवासी बहुल इलाके में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। साथ ही तहसील के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से चरमरा गई। मेलघाट की सिपना, गड़गा, कावरा, खंडू व खाबरा नदी में इस समय अच्छी खासी बाढ़ आई हुई है और कई इलाकों का एक दूसरे के साथ आपसी संपर्क टूट गया है। वहीं चांदूरबाजार तहसील अंतर्गत कल्लोरी में रहने वाला सुरेश उइके नामक 38 वर्षीय युवक आज सुबह 10 बजे के आसपास सिराजगांव कस्बा में धाकड़ेपुरा स्थित पुलिया से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहा था, जो मोटरसाइकिल सहित बाढ़ के पानी में बह गया। जिले के सबसे बड़े बांध अपरवर्धा प्रकल्प तथा पूर्णा मध्यम प्रकल्प से जल निकासी करनी शुरू की गई है, जिसके तहत अपरवर्धा बांध के 13 में से 11 दरवाजों को 70 सेंटीमीटर तक खोलकर वर्धा नदी में प्रति सेकंड 1255 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदूरबाजार तहसील के पूर्णा मध्यम प्रकल्प के सभी 9 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर तक खोलकर प्रति सेकंड 388.50 घनमीटर जल निकासी की जा रही है। इसके अलावा वर्धा जिले की सीमा पर वरुड़ बगाजी स्थित बगाजी सागर बांध के सभी 31 दरवाजों को 35 सेंटीमीटर तक खोलते हुए वर्धा नदी में प्रति सेकंड 970 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में फिलहाल चल रही मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से आह्वान किया है कि वे अगले एक दो दिन तक चिखलदरा सहित पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने फिरने हेतु न जाएं, क्योंकि आगामी एक दो दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से पहाड़ी रास्तों पर चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। मुंबई सत्र न्यायालय में हनुमान चालीसा पाठ मामले में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा आज भी सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में मामले की सुनवाई आगामी 16 अक्टूबर तक टाल दी गई है। राणा दंपति की ओर से ही कोर्ट में उक्त मामले में उन्हें दोषमुक्त करने की अपील दायर की गई है और अदालत ने उन्हें हाजिर रहने हेतु कहा था, लेकिन आज की पेशी के समय वे उपस्थित ही नहीं हुए। आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए शहर सहित जिले में काफी उत्साह रहने के साथ ही व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में कुल 1997 स्थानों पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। अमरावती शहर में 441 तथा जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में 1536 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गणेश स्थापना होगी। वहीं जिले में कुल 364 गांवों में एक गांव एक गणपति की संकल्पना साकार की जाएगी, जिसमें शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 30 गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 334 गांवों का समावेश। मंगलवार 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव के मद्देनजर बाजारों में गणेश मूर्तियों की स्थापना के साथ ही स्थापना के लिए आकर्षक सिंहासन उपलब्ध हो गए हैं। बॉन्डेड रबर शीट व फाइबर मटेरियल से तैयार किए गए सिंहासनों की खरीदारी के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ अच्छी खासी उमड़ने लगी है। परकोट के भीतर बुढ़वारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल के हरिभाव करोती स्मारक सभागार में आयोजित पत्रवार्ता में मंडल के मुखिया व पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने बताया कि इस बार अपनी स्थापना का 96वां वर्ष मना रहे बुढ़वारा के आजाद हिंद मंडल में इस बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बेहद सुंदर व दर्शनीय झांकी प्रदर्शित की जा रही है। डॉक्टर आपला विधितज्ञ वकील ब्रिजेश भाऊ तिवारी हे कार्यक्षेत्रात आम्ही काम करू, प्रवीण मानेकर जे लॉयन्स क्लबचे पदाधिकारी राहिले खूप वर्ष आझाद हिंद मंडळाचेच कार्यकर्ते आहे ते पण यावर्षी उपाध्यक्ष आणि आमचे अंबागेट पटवीपुरा के बजरंग गणेश मंडल में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बड़े चाव से निर्मित चंद्रयान की झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर राजेश जवादे द्वारा बताया गया कि इस झांकी का उद्घाटन आगामी 21 सितंबर को होगा। साथ ही पत्रवार्ता में उपस्थित संजय मापले ने बताया कि इस बार नामदेव पायरी, विठल का गर्भगृह और रुक्मिणी का गर्भगृह के साथ ही पंडरपुर की हुबेहुब झांकी प्रस्तुत की जाएगी, साथ ही शिव राज्याभिषेक की झांकी भी साकार की जाएगी। नानक नगर परिसर स्थित एकता अखंडता गणेशोत्सव मंडल में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत इस बार इस मंडल में तिरुपति बालाजी की झांकी साकार की जाएगी और बालाजी स्वरूप में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस वर्ष एकता अखंडता गणेशोत्सव मंडल के स्वागताध्यक्ष पद का जिम्मा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा स्वीकार किया गया है।
अमरावती मैराथन एसोसिएशन द्वारा आगामी 8 अक्टूबर को हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 1800 धावकों ने पंजीयन कराया है। इस आशय की जानकारी मैराथन के आयोजक दिलीप पाटिल द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस स्पर्धा हेतु विगत 10 जुलाई से ही ऑनलाइन पंजीयन का काम शुरू कर दिया गया है और यह मैराथन स्पर्धा आगामी 8 अक्टूबर को जिला स्टेडियम से प्रारंभ होगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तथा इंडियन वाटर वर्ल्ड एसोसिएशन की ओर से आज शेगांव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में 56वें अभियंता दिवस महोत्सव अंतर्गत अभियंता पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश के महान अभियंता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान का स्मरण भी किया। फ्रिजरपुरा स्थित अमरावती महानगर पालिका की हिंदी शाला क्रमांक 6 में आज अमृत कलश यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। शाला के सभी शिक्षकों और छात्रों ने देशी वेशभूषा में अमृत कलश यात्रा निकाली, जिसमें फ्रिजरपुरा के सभी नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हर घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी कलश में डाली गई। मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान उपक्रम को लेकर प्रभारी जिलाधीश अभिषान पंडा ने सभी सरकारी महकमों के नाम जारी निर्देश में कहा कि समूचे देश में चलाए जा रहे इस उपक्रम के माध्यम से गांव से लेकर शहर तक मिट्टी बाबत जन जागरण, प्रेम और साक्षरता निर्माण करने तथा मातृभूमि की रक्षा करते समय अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के सम्मान हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों को शामिल होकर कलश यात्रा के जरिए घर घर में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। मेरी मिट्टी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश अभियान 2023 चे अंतर्गत अनेक आपण उपक्रम शुरू केलेला आहे। ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन मातीचं संकलन होत आहे आणि जिथे माती नाही आहे तिथे तांदूळचं पण संकलन होत आहे। त्याचप्रमाणे शहरी भागात अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या एरिया आणि नगरपंचायतच्या हद्दीमध्ये बरेच विद्यार्थी यांचा सहभाग घेऊन प्रत्येक ठिकाणी एक छलबल निर्माण करण्यात आलेला आहे। आता पुढील 15 दिवसात हा कार्यक्रम मध्ये अजून उत्साह कसा वाढवेल आणि जास्तीत जास्त लोक आपले बाकीचे शिक्षकगण अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर सगळ्यांचा कसा सहभाग व्हावी याच्यासाठी आज आपण एक बैठक ठेवलेलं होतं कलेक्टर ऑफिस इथे। मेरी मिट्टी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश हा जो कार्यक्रम आहे हा चांगल्या पद्धतीने आपण करत आहोत। या कार्यक्रमामध्ये आपण जनजागृती करणार आहोत, प्रसिद्धी करणार आहोत आणि प्रत्येक घरातून माती आपण जमा करून ती जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुंबईला मुंबई दिल्लीला नेणार आहोत आणि दिल्लीला असं एक अमृत वन असा खूप चांगला या मातीपासून तयार होणार आहे। यासाठी महापालिकामार्फत महापालिका शहरामध्ये आम्ही आजपासून माती कलेक्शनचं काम घरोघरीचं सुरू केलेलं आहे। यामध्ये माझ्या महापालिका हद्दीतील 339 शाळा आहेत प्राथमिक आणि माध्यमिक, यांनी जनजागृती केलेली आहे, रॅली काढलेली आहे, पथनाट्य केलेले आहेत आणि अशा पद्धतीनं घरोघर जाऊन आम्ही माती जमा करत आहोत। ती माती आमच्यामार्फत त्या कळसामध्ये जमा करून हा कळस आम्ही दिल्लीला घेऊन जाणार आहोत। आपल्या या मातीमधूनच एक चांगलं त्या ठिकाणी संपूर्ण भारतातील मातीमधून एक वटवृक्ष तयार होणार आहे, गार्डन तयार होणार आहे। वडाली परिसर स्थित मनपा उच्च माध्यमिक शाला क्रमांक 14 के विद्यार्थियों व परिसर के नागरिकों ने देशप्रेम की भावना को लेकर जनजागृति लाने के उद्देश्य से मेरी मिट्टी मेरा देश उपक्रम अंतर्गत भव्य रैली का आयोजन किया। इसके अलावा आज मेरी मिट्टी मेरा देश अमृत कलश शोभा यात्रा महानगर पालिका क्षेत्र की विभिन्न शालाओं द्वारा निकाली गई। इस समय सभी संबंधित शालाओं के शिक्षकों व विद्यार्थियों ने पंचप्राण संकल्पना को स्वीकार करने की शपथ ली। नीमा आयुर्वेद मंच द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि शहर के इतिहास में पहली बार आयुर्वेद पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बस्ती कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन होगा। यह आयोजन पीआर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस के स्वामी विवेकानंद सभागार में कल रविवार 17 सितम्बर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। अमरावती विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने वाले कांग्रेस स्नातक सेल के तत्कालीन अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। भाजपा के स्नातक सेल के प्रमुख धनराज विस्पुते के हाथों उनका भाजपा में प्रवेश हुआ।
समूचे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर दौरान सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है, जिसके चलते पूरे पखवाड़े में रक्तदान शिविर आयोजित करने के निर्देश देश भर की ब्लड बैंक को दिए गए हैं और रक्त यूनिट जमा करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए सभी रक्तदाताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए अमरावती ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर खाखड़े ने बताया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। सबसे प्रमुख शिविर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया है, जो कल रविवार को राजापेट स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय होगा। अधिवक्ता परिषद विदर्भ प्रांत अंतर्गत अमरावती जिला शाखा की ओर से वकील संपर्क अभियान का प्रारंभ आज शनिवार 16 सितंबर को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की समाधि को वंदन कर किया गया। इस दौरान प्रत्येक तहसील के वकील संघों को भेंट देकर वकीलों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और कई विषयों पर चर्चा की गई। जनता अधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष फिरोज खान ने हैदरपुरा परिसर की जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा और कहा कि हैदरपुरा स्थित शहरी आरोग्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर आकिब अहमद का यहां से किसी अन्य इलाके में तबादला न किया जाए। स्थानीय वडाली परिसर में एक्सप्रेस हाईवे पर पुल के नीचे रास्ते के किनारे एक आवारा कुत्ता 10 घंटे से अटका हुआ था, जिसकी जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल व वसा संस्था के एनिमल्स रेस्क्यू टीम ने तुरंत टेक्निकल रेस्क्यू करते हुए इस कुत्ते को सुरक्षित तरीके से बचाया। जिस स्थान पर यह कुत्ता अटका हुआ था वहां पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी और पुलिया के नीचे व ऊपर लगातार वाहनों का आना जाना चल रहा था। ऐसे में उक्त कुत्ते के सड़क हादसे का शिकार होने की पूरी संभावना थी, लेकिन समय रहते उसे बचाने की कार्रवाई की गई। आज दोपहर युवा कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य व शहराध्यक्ष नीलेश गुहे के नेतृत्व में इवीन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर में विधायक रवि राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि शहर से जिले में विधायक रवि राणा की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। गत रोज युवा स्वाभियान पार्टी की 2 महिला पदाधिकारी गड़गड़ेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु गई थी, जहां पर शिवसेना पदाधिकारी पराग गंथड़े ने अपने 2-3 साथीदारों के साथ मिलकर उन दोनों महिलाओं को मंदिर में दर्शन करने से रोका। साथ ही उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की। इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने पराग गंथड़े के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। नांगवापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव माहुरे में कुत्ते द्वारा बकरी पर हमला किए जाने से संतप्त होकर बकरी के मालिक ने अपने 2-3 साथीदारों के साथ मिलकर मेशराम दंपति पर धावा बोला और पति पत्नी की जमकर पिटाई की। बकरी मालिक को संदेह था कि उक्त कुत्ता उसी पति पत्नी का है, जबकि उक्त दंपति ने वह कुत्ता अपना नहीं रहने की बात कहते हुए बताया कि वह कुत्ता अक्सर उनके घर के सामने बैठा रहता है, इसके अलावा उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन पूर्व शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 1 ने बिस्मिल्ला नगर परिसर में रहने वाले अल्तू उर्फ मोहम्मद अल्तमश को वाहन चोरी के मामले में पकड़ा था, जिसके पास से चोरी के 17 दुपहिया वाहन जब्त किए गए थे। वहीं पूछताछ के दौरान अल्तू द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से चुराई गई एक और दुपहिया बरामद की गई है। अमरावती पुलिस द्वारा ली गई PCR की अवधि खत्म होने के बाद अब नागपुर पुलिस द्वारा भी मोहम्मद अल्तमश को अपनी कस्टडी में लिया जाएगा। यवतमाल जिला अंतर्गत वाटखेड़ गांव में रहने वाले सचिन वाघ नामक युवक की गत रोज अवैध गावरानी शराब पीने की वजह से मौत हो गई। सचिन ने रात में जमकर शराब पी थी और वो सवेरे उठा ही नहीं। सुबह के वक्त उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, ऐसे में उसे रालेगांव के प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। नागपुर हैदराबाद महामार्ग पर पांडरकोड़ा तहसील अंतर्गत खातारा गांव के निकट माचिस लदे ट्रक में अचानक आग लग जाने की वजह से ट्रक सहित ट्रक में लदे माचिस के सभी बक्से पूरी तरह जलकर खाक हो गए। यह घटना आज दोपहर 12 बजे खातारा सिंगलदीप गांव के बीच घटित हुई, जिसकी वजह से हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।